ये देखिए तीन सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल पंप का, एक जोकी पंप का, एक डीजल पंप का। तो ये दो इंडिकेटर, एक रन का एक ट्रिप का, एक रन का एक ट्रिप का दिया हुआ, एक पास पावर ऑन का दिया हुआ। यहाँ पे डीजल पंप, एक जोकी पंप, एक इलेक्ट्रिकल पंप दिया हुआ है। ये पैनल का अंदर देखते हैं क्या क्या है। के बाद इलेक्ट्रिकल पंप के लिए स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्टर बनाए हुए हैं। ये जोकी पंप के लिए एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले, ये थ्री पोल ब्रेकर दिया गया है जोकी पंप के लिए। ये सिंगल पोल ब्रेकर है सिर्फ पूरे कंट्रोल के लिए। ये तीन कट ऑफ रिले हैं जो डीजल पंप के लिए, ये दो टाइमर दिया गया है ये डीजल पंप के लिए। तो ये देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे किया गया। ये मेन कॉन्टेक्टर है स्टार डेल्टा का, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है। ये देखिए स्टार कॉन्टेक्टर है। ये स्टार कॉन्टेक्टर के ये पहचान है, ये कॉमन किया जाता है स्टार कॉन्टेक्टर को हमेशा। तो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर में हमेशा 6 वायर मोटर के पास जाता है। ये देखिए तीन वायर ये कॉन्टेक्टर से और तीन वायर ये कॉन्टेक्टर से आए। स्टार डेल्टा में हमेशा 6 वायर मोटर के पास जाता है। तो 5 सेकेंड है ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा मेन कॉन्टेक्टर के साथ, ये दोनों। उसके 5 सेकेंड बाद ये टाइमर है चेंज कर देगा, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे वायरिंग होता वो देखते हैं। ये पावर वायरिंग आप देख रहे हैं, ये ब्रेकर के साथ ये कॉन्टेक्टर में दिया हुआ, उसके बाद ओवरलोड रिले में दिया हुआ, उसके बाद यहाँ से जम्पर करके ये कॉन्टेक्टर में दिया हुआ, उसके बाद यहाँ से जम्पर करके यहाँ ये कॉमन कर दिया गया है। इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे किया गया वो देखते हैं। इधर से एक फेज इधर लिया गया है ये ब्रेकर में, सिंगल पोल ब्रेकर में। उसके बाद ये वायर यहाँ से इसमें आता है सेलेक्टर स्विच में, सेलेक्टर स्विच के बाद ये डायरेक्ट आता ओवरलोड रिले में 23 में। ओवरलोड रिले के बाद ये एनसी पॉइंट, ओवरलोड के एनसी पॉइंट में आता है। उसके बाद ये 24 ये मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में आ जाता है, और उसके बाद एक न्यूट्रल लेके एक न्यूट्रल इसको मेन कॉन्टेक्टर को दिया जाता है। यहीं से लूप करके 24 को एनसी पॉइंट से ये टाइमर में दिया हुआ है, टाइमर के एनसी पॉइंट से ये डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से होके ये स्टार के कॉइल में दिया जाता है, और सही इस एनओ पॉइंट से ये स्टार के एनसी पॉइंट से घुमा के फिर डेल्टा के कॉइल में दिया जाता है। इस तरह से इसको इंटरलॉकिंग किया गया है। अगर हम इसका एनसी पॉइंट से उठा के इसका एनसी पॉइंट से डेल्टा के एनसी पॉइंट से स्टार के कॉइल में देते हैं, तो अगर ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है तो ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा, और ये स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों स्टार्ट हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो जाएगा। इस वजह से ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग किया जाता है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि इसका यानी ये टाइमर का एनसी से लेके इसका डेल्टा के एनसी से लेके इसको इस कॉइल में वायर डालते हैं, और इसका एनसी से लेके डेल्टा के कॉन्टेक्टर के कॉइल में वायर को डालते हैं ताकि सेफ्टी के लिए ये किया जाता है। तो इस तरह ये वायरिंग किया गया है, बस इसी तरह ये स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए जैसा ही टाइम सेट किया गया है, 5 सेकेंड के लिए स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके 5 सेकेंड के बाद ये मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा।
इसी तरह से ये वायरिंग किया जाता है स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर।